हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। सब कहते हैं कि मरने के बाद कुछ भी साथ नहीं जाता है, सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। आदमी खाली हाथ आया था और खाली हाथ चला जाता है, लेकिन ये सत्य नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई बातें हैं लेकिन वह सत्य नहीं है। आओ जानते हैं कि आदमी जन्म लेता है तो क्या साथ लाता है, जब मर जाता है तो क्या साथ ले जाता है। हिंदू धर्म कहता है कि व्यक्ति जो साथ लाया था वह तो साथ ले ही जाएगा, साथ ही वह भी साथ ले जाएगा जो उसने इस जन्म में अर्जित किया है। क्या साथ लाया था वह और क्या अर्जित किया है, यह जानना जरूरी है। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो अपने साथ तीन चीज़ें लाता है। नंबर एक, संचित कर्म। नंबर दो, स्मृति। और नंबर तीन, जागृति। हाँ, एक चौथी चीज़ भी है और वह है सूक्ष्म शरीर। इसके संबंध में हम बाद में कभी बात करेंगे। नंबर एक क्या है, संचित कर्म। हिंदू दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद मात्र एक भौतिक शरीर या देह ही नष्ट हो जाती है, जबकि सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों तक आत्मा के साथ संयुक्त रहता है। यह सूक्ष्म शरीर ही जन्म जन्मांतरों के शुभ अशुभ संस्कारों का वाहक होता है। संस्कार अर्थात हमने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वे सभी और हमारी आदतें, ये संस्कार मनुष्य के पूर्व जन्मों से ही नहीं आते अपितु माता पिता के संस्कार भी रज और वीर्य के माध्यम से इसमें सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य का व्यक्तित्व इन दोनों से ही प्रभावित होता है। बालक के गर्भ धारण की परिस्थितियां भी इन पर प्रभाव डालती हैं। यह कर्म संस्कार ही प्रत्येक जन्म में संग्रहित एकत्र होते चले जाते हैं, जिससे कर्मों अच्छे बुरे दोनों का एक विशाल भंडार बन जाता है। इसे संचित कर्म कहते हैं। अब जब व्यक्ति मरता है तो इन्हीं संचित कर्मों से इस जन्म के कर्म भी एकत्रित करके ले जाता है। दरअसल इन संचित कर्मों से ही एक छोटा हिस्सा हमें नए जन्मों में भोगने के लिए मिल जाता है, इसे प्रारब्ध कहते हैं। यह प्रारब्ध कर्म ही नए होने वाले जन्म की योनि व उसमें मिलने वाले भोग को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए गए कर्म, जिनको क्रियमाण कहा जाता है, वह भी संचित संस्कारों में जाकर जमा होते रहते हैं। अर्जुन से कहते हैं कि ये अर्जुन, तुझे अपने अगले और पिछले जन्मों की याद नहीं है, लेकिन मुझे अपने लाखों जन्मों की स्मृति है। लाखों वर्ष पूर्व भी तू था, मैं भी था। जिस जन्म में तू क्या था वह मैं जानता हूँ, और अगले जन्म में तू क्या होगा यह भी मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं तेरे संचित कर्मों की गति भी देख रहा हूँ। अतः यह कहना होगा कि जब व्यक्ति जन्म लेता है तो वह अपने पिछले जन्म की स्मृतियाँ साथ लाता है, लेकिन वह धीरे धीरे उन्हें भूलता जाता है। भूलने का अर्थ यह है कि मैं वे स्मृतियाँ सदा के लिए मिट जाएं। वे अभी भी हमारी हार्ड डिस्क में हैं, लेकिन हम रैम से हट गई हैं, डी में नहीं, सुरक्षित रह रखी हैं। इसी तरह जब व्यक्ति मरता है तो वह इस जन्म की स्मृतियां बटोरकर साथ ले जाता है। नंबर तीन, जागृति क्या है। यह विषय थोड़ा कठिन है। प्रत्येक मनुष्य और प्राणी के भीतर जागृति का स्तर अलग अलग होता है। यह उसकी जीवन शैली, संवेदना और सोच पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम समझ करते हैं कि एक कुत्ता मनुष्य कम जागृत
हैं जैसे एक शराबी व्यक्ति होता है। आप में बेहोशी का स्तर ज़्यादा है तो आप भावना और विचारों के वश में रहकर ही जीवन यापन करेंगे, अर्थात आपके जीवन में भोग संभोग और भावना ही महत्वपूर्ण होगी। आप इसे इस तरह समझें कि आप में एक पशुओं में क्या खास फर्क है। आप कपड़े पहनते हैं और थोड़ा बहुत सोचते हैं, लेकिन आप में वही सारी प्रकृतियां हैं जो कि एक पशु में होती हैं, जैसे ईर्ष्या, क्रोध, काम, भूख, लालच, मद आदि सभी तरह की प्राथमिक प्रवृत्तियां प्राणियों को प्राणी इसलिए कहते हैं कि वह प्राण के स्तर पर भी जीते हैं और मर जाते हैं। उनमें मन ज़्यादा सक्रिय नहीं रहता है। मनुष्य में मन ज़्यादा सक्रिय रहता है, इसलिए वे मन की भावना और विचारों में ही ज़्यादा रमते हैं। वे मानसिक और मन से ऊपर उठने से जागृति शुरू होती है। जागृति की प्रथम स्टेज बुद्ध और द्वितीय स्टेज विवेक और तृतीय स्टेज आत्मावान होने में है। प्रार्थना और ध्यान से जागृति बढ़ती है। उत्तर सभी को मिलकर कहा जाता है कि व्यक्ति अपने साथ कर्म लाता है और धर्म ही ले जाता है। इसका सरल और व्यवहारिक अर्थ यही है कि मृत्यु होने पर व्यक्ति के सगे संबंधी भी उसकी मृतदेह से कुछ समय ही मोह या भावना छोड़ देते हैं और अंतिम संस्कार कर चले जाते हैं, किंतु इस समय भी मात्र धर्म ही ऐसा साथी होता है जो उसके साथ जाता है। तो फ्रेंड, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।